गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास नाइन्थ की हिस्ट्री की जो लेक्चर सीरीज है उसका हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। क्लास नाइन्थ में हिस्ट्री के अंदर तो हम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हम चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं। किस तरह से लुई 1789 के अंदर किंग बनता है, और जैसे वो किंग बनता है एट द एज ऑफ 20, ठीक है, उसकी एक शादी के ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस से हो जाती है, हम सब प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। और जैसे वो किंग बनता है उसको क्या दिखता है कि उसका जो ट्रेजरी है, ठीक है, जो भी खजाना है वो क्या उसका पूरा खाली हो चुका है, ठीक है। तो उस ट्रेजरी को रिकवर करने के लिए और अपनी गवर्नमेंट को सही तरीके से चलाने के लिए क्या करता है, वो टैक्सेस को इंक्रीज करता है। और हमने देखा था कि क्या जो फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है, रिवॉल्यूशन के टाइम पीरियड पर क्या हुआ था, ठीक है, किस तरह से लोगों ने रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया, क्या क्या रीज़न थे, कौन कौन सी स्टेट्स थी सोसाइटी के अंदर फ्रांस के अंदर, और एक थर्ड स्टेट जो नई स्टेट जनरेट हुई थी धीरे धीरे एक मिडिल क्लास और रिवॉल्यूशन के कारण मिडिल क्लास एक और स्टेट जनरेट हुई थी। तीन स्टेट्स देखी थी हमने, क्लर्जी, नोबल नोबल नोबिलिटी नोबल क्लर्जी स्टेट्स हम देख चुके हैं। तीन स्टेट्स हमने वहाँ पर देखी थी। बेसिकली ये सब हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो एक बार वहाँ से सारे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। तो बेसिकली हमें आउटब्रेक देख लिया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में किस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, क्या रीज़न रहे उसके बीच में, ठीक है, क्या क्यों फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, और किस तरह से क्राइसिस सब्सटेंसेस क्राइसिस जनरेट हुए, ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं, ठीक है। जो मोनार्की सिस्टम था वो क्यों अगेंस्ट हुआ था। तो अब बेसिकली क्या है कि आज जो बेसिकली हम देखेंगे वो क्या है, द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, कि किस तरह से रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, एक्चुअल में क्या आउटब्रेक था, क्या रीज़न था, ठीक है। तो देखिए, आपको ये पता है कि टैक्सेस बढ़ चुके थे बहुत ज़्यादा, कहाँ पर, फ्रांस के अंदर, ठीक है, लुई 16 के टाइम पर, 1789 के अंदर बहुत ज़्यादा टैक्स इंक्रीज हो चुका था, ठीक है, जिससे ब्रेड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, तो सब्सटेंसेस क्राइसिस जनरेट हो चुकी थी, ठीक है। नोबिलिटी और क्लर्जी तो सब सब क्या थे, वो तो उनको प्रिविलेज वगैरह मिले हुए थे, तो वो तो आराम से अपनी लाइफ जी रहे थे, लेकिन बेसिकली जो पुअर थे और प्लेजेंट्री सेक्शन थे तो उनको क्या हुआ, सही अमाउंट में फूड नहीं मिल पा रहा था, तो इस सब्सटेंस क्राइसिस क्रिएट हो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो ये सब हम देख चुके हैं। अब बेसिकली क्या हुआ कि जब टैक्स को बढ़ाया, तो ये तो है नहीं कि राजा एकदम से बिना किसी से पूछे हुए, क्योंकि 20 तो एज ही थी उसकी, अब ये तो है नहीं कि वो अगले दिन उठेगा और सुबह बोलेगा कि हाँ भाई आज से टैक्स सब बढ़ जाएंगे, नहीं, वो क्या करेगा, पहले सबसे मीटिंग करेगा, ठीक है, सबसे मीटिंग करेगा, जो भी उसके एम्प्लॉयज़ हैं या जो भी उसके मिनिस्टर्स हैं उनसे मीटिंग करेगा, स्टेट जनरल से उनसे मीटिंग करेगा, उसके बाद उनसे डिस्कशन करेगा, उसके बाद कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट निकालेगा जिसके अकॉर्डिंग वो टैक्सेस को इंक्रीमेंट करेंगे। तो सेम हम यही देखेंगे कि क्या रीज़न रहा आउटब्रेक, तो कैसे हुआ। तो बेसिकली क्या हुआ कि लुई 16 डिसाइडेड टू इंक्रीज द टैक्स, ये हमने बोला, क्या लुई 16 ने क्या डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, टैक्स को इंक्रीज करेंगे, क्या लुई 16 डिसाइडेड टू इंक्रीज द टैक्स, ये हम देख चुके हैं, क्योंकि उसके पास क्या था, ट्रेजरी उसका बिल्कुल खाली था, ठीक है, लोन बहुत ज़्यादा था उनके ऊपर, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लोन था, जिस वजह से क्या होगा कि उनके पास कोई भी अमाउंट नहीं बचा था कुछ भी, तो टैक्सेस का उसने डिसीजन लिया। तो इस टैक्सेस को बढ़ाने के लिए क्या करा, ही कॉल्ड अ मीटिंग, क्या करा इसने, मीटिंग बुलाई, ठीक है, किसकी मीटिंग बुलाई, विद द थ्री स्टेट जनरल्स, जो तीन स्टेट्स थी हमारे पास, ठीक है, जिसमें सोसाइटी डिवाइडेड थी, ठीक है, जिसके अंदर हमारी सोसाइटी डिवाइडेड थी, उन तीन स्टेट्स के जनरल, जो भी उनके जनरल थे तीनों स्टेट्स के, तो उन तीन स्टेट जनरल्स को बुलाया और एक मीटिंग करी, ठीक है, क्या करा, थ्री स्टेट जनरल्स को मिलाया और एक मीटिंग स्टार्ट की, ठीक है, किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, 1789 के अंदर, जब लुई 16 किंग बना था। अच्छा, इन थ्री स्टेट जनरल्स की लास्ट जो पहले इससे पहले मीटिंग हुई थी वो थी 1614 के अंदर, 1614 के अंदर, और अब कब हो रही है, 1789 के अंदर, अब कब हो रही है, 1789 के अंदर। तो देख लिया आप कितना गैप है, 1614 के बाद कब मीटिंग हो रही है, 1789 के अंदर, तो बहुत टाइम बाद मीटिंग हुई थी, ठीक है, बहुत टाइम बाद मीटिंग हुई थी। तो बेसिकली क्या है, जो लुई 16 था उसने सोचा कि अब मुझे टैक्स बढ़ाने हैं, ठीक है, तभी मैं कर सकता हूँ, अपनी ट्रेजरी को फुल कर सकता हूँ या अपनी कंट्री को इक्वली चला सकता हूँ, इकोनॉमिक बैलेंस कर सकता हूँ अपनी कंट्री का। तो उसने क्या करा, टैक्सेस को बढ़ाने का डिसाइड किया। उस टैक्सेस को इंक्रीमेंट करने के लिए उसने थ्री स्टेट जनरल्स को क्या करा, एक मीटिंग बुलाई। इससे पहले जो मीटिंग हुई थी वो 1614 के अंदर हुई थी। अब जो मीटिंग होने वाली थी वो कब थी, 5th of May 1789 के अंदर, ठीक है, मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल्स फॉर द प्रपोजल ऑफ द न्यू टैक्सेस। अच्छा, ये मीटिंग क्यों की थी, 5th मई 1789 को जो मीटिंग होने वाली है ये क्यों हो रही थी, क्योंकि लुई 16 ने कुछ नए टैक्सेस का प्रपोजल अप्लाई किया था, ठीक है, प्रपोजल ऑफ न्यू टैक्सेस, ठीक है, नए टैक्सेस का वो प्रपोजल था जिसको तीनों स्टेट जनरल से बात करके वो फाइनल करने वाला था। तो होप ये समझ में आया कि किस तरह से मीटिंग थी। अच्छा, अब बेसिकली क्या है, इस मीटिंग के अंदर किस तरह से पर्सन आए उनके बारे में देखते हैं, कैसे रिप्रेजेंटेटिव आए वो हम उसके बारे में देखेंगे। तो इन दिस मीटिंग 300 रिप्रेजेंटेटिव केम फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड स्टेट। जो सेकंड स्टेट और जो फर्स्ट स्टेट थी, ये स्टेट्स हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं कि जो सोसाइटी थी, जो फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो तीन स्टेट्स में डिवाइडेड थी, वो हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेट और जो सेकंड स्टेट थी उसमें से बेसिकली कितने रिप्रेजेंटेटिव आए, 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच, ठीक है, 300 रिप्रेजेंटेटिव इन दिस मीटिंग, 300 रिप्रेजेंटेटिव के फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट ईच, मतलब सब में से, दोनों में से, दोनों से, फर्स्ट से 300 आए,
फर्स्ट से 300 है और सिमिलरली सेकंड से भी कितने हैं 300। तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट दोनों से कितने हैं 300 रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों में से आए थे, ठीक है। वेयर एज क्या हुआ, जबकि 600 मेंबर्स कहाँ से आए थे, थर्ड स्टेट से। 600 मेंबर्स कहाँ से आए, थर्ड स्टेट से। और जो मीटिंग कहाँ हुई थी, बेसेटाइल, ठीक है। हमें पैलेस का नाम पता है, बेसेटाइल पैलेस, ठीक है। कहाँ हो रही थी मीटिंग, बेसेटाइल। बैसेटाइल पैलेस हमें पता है फ्रांस का एक बहुत बहुत बड़ा पैलेस था, जिसके मेंटेनेंस में वहाँ के जो मोनार्की सिस्टम था वो बहुत पैसा खर्च करती थी, ठीक है। तो ये सारी मीटिंग कहाँ हो रही थी, बैसेटाइल, ठीक है। वहाँ का एक टेनिस कोर्ट था, वहाँ पर ये मीटिंग हो रही थी। तो बेसिकली क्या हुआ, कितने रिप्रेजेंटेटिव, 300 रिप्रेजेंटेटिव तो आए फर्स्ट और सेकेंड से, ईच दोनों से 300, 300, 300 फर्स्ट स्टेट से, 300 सेकेंड स्टेट से, बट 600 मेंबर्स थर्ड स्टेट। अच्छा, 600 मेंबर्स थर्ड स्टेट से ज़्यादा क्यों आए थे, क्योंकि बेसिकली जो सबसे ज़्यादा टैक्सेस का इंप्लीमेंट होने वाला था, जो जो सबसे ज़्यादा डिपेंडेबल थे, या जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा सब्सटेंस क्राइसिस क्रिएट हो रहा था, या जो सबसे ज़्यादा परेशान थे, वो कौन से थे, थर्ड स्टेट वाले। तो इसलिए बेसिकली क्या था कि थर्ड स्टेट से कितने मेंबर्स आए, 600 मेंबर्स। कितने मेंबर्स आए, 600 मेंबर्स। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट से क्या है, 300, 300, और थर्ड स्टेट से कितने हैं, 600 मेंबर्स, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या हुआ कि वुमेंस को और भी कुछ पीजेंट्स को, सबको क्या अंदर आना अलाउ नहीं किया, कुछ चिल्ड्रंस को वुमेन अलाउ नहीं करा, तो उन लोगों को क्या किया, बैसेटाइल पैलेस से बाहर ही रखा गया, ठीक है। तो उस बेसिस पे क्या करा फिर वुमेंस ने और भी कुछ पीजेंट्स ने, सब ने क्या करा, लेटर्स लिखे। और वो लेटर्स क्या हुआ, बेसिकली ये जो रिप्रेजेंटेटिव गए थे, इनके साथ वो लेटर्स भेजे गए। तो अप्रॉक्सीमेट जो लेटर्स गए थे वो कितने थे, 40,000 लेटर्स। कितने लेटर्स गए थे, 40,000 लेटर्स, 40,000 लेटर्स ऑफ द पुअर पीजेंट्स, ठीक है। कितने लेटर थे, 40,000 लेटर्स ऑफ पुअर पीजेंट्स, ठीक है। जिसके अंदर बेसिकली क्या, इन टैक्सेस को नहीं बढ़ाने की या और भी कुछ आइडियाज़ जो थे उनके कि क्या किया जा सकता है, तो उस वजह से क्या हुआ कि जो लुई 16 किंग के लिए लिखे गए थे, कितने थे, 40,000 लेटर्स ऑफ पुअर पीजेंट्स। तो समझ में आपको, बेसिकली मीटिंग हुई 1789 फिफ्थ ऑफ मे। इससे पहले जो मीटिंग हुई थी वो 1614 में हुई थी, लुई 16 के टाइम पर मीटिंग हुई फिफ्थ ऑफ मे 1789। ये मीटिंग क्यों रखी गई थी, ताकि जो टैक्सेस का नया प्रपोजल है उसको फाइनलाइज किया जा सके, ठीक है। और मीटिंग के अंदर कितने लोग आए, 300 रिप्रेजेंटेटिव फर्स्ट स्टेट से, 300 रिप्रेजेंटेटिव सेकंड स्टेट से, और 600 मेंबर्स थर्ड स्टेट से। थर्ड स्टेट से क्यों, क्योंकि जो सबसे ज्यादा टैक्सेस का इंप्लीमेंट हो रहा था वो किस पर हो रहा था, थर्ड स्टेट वाले लोगों पे, पीजेंट्स पे, वर्किंग क्लास पे, इन पे सबसे ज्यादा था। तो इसलिए कितने, 600 मेंबर्स वहां से आए। और बेसिकली वुमेन्स को, कुछ चिल्ड्रंस को और पीजेंट्स को बैसेटाइल पैलेस के अंदर आना अलाउ नहीं था। तो बेसिकली क्या हुआ, उन लोगों ने क्या करा, अप्रॉक्सीमेट 40,000 लेटर्स अपने स्टेट जनरल्स के साथ, जो इनके रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके साथ भिजवाए, उनको हैंड ओवर कर दिया, और वो 40,000 लेटर्स इनके पास गए। मीटिंग कहाँ हुई थी, बैसेटाइल पैलेस है, टेनिस कोर्ट, वहाँ पर मीटिंग हुई थी, ठीक है। कितने लेटर्स है, 40,000। तो होप ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्या, अच्छा अब बेसिकली क्या है कि जो स्टेट जनरल्स आ गए, अभी 300 रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो क्या होगा, 300 रिप्रेजेंटेटिव में सब तो ये है नहीं कि सबका एक ही पॉइंट होगा, या सबका एक ही व्यू होगा सोचने का, सबका थिंकिंग ऑफ व्यू ऑफ थिंकिंग एक नहीं होगा, सबका अलग अलग होगा। कोई बोलेगा कि हाँ भाई टैक्सेस को बढ़ाना चाहिए, कोई बोलेगा टैक्सेस को नहीं बढ़ाना चाहिए, कोई बोलेगा टैक्सेस को इस अकॉर्डिंग बढ़ाना चाहिए, कोई बोलेगा टैक्सेस को उस अकॉर्डिंग बढ़ाना चाहिए, तो अलग अलग सबके व्यू होंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए क्या है, लुई 16 ने, या जो भी मेंबर्स थे वहाँ के, ठीक है, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वोटिंग हैड टू बी कंडक्टेड ऑन द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड वन वोट। क्या कि हर स्टेट का क्या काउंट होगा, एक वोट काउंट होगा। अब कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव हैं, 300 रिप्रेजेंटेटिव हैं, सबका अलग 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 अलग, सब अपने अपने लेवल पे अलग अलग वो देंगे प्लान्स कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो आपके पास 300 तो आप वोटिंग करोगे नहीं, तो इसलिए क्या बोला गया कि जो फर्स्ट स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये आपस में बात करें और एक फाइनल डिसीजन दे दें, ठीक है, तो वो वन वोट काउंट होगा। सिमिलरली तो सेकंड स्टेट के जितने भी 300 मेंबर्स हैं वो अपनी मीटिंग्स कर ले, ठीक है, अपने आप डिसीजन ले लें, उसके बाद वो अपना एक वोट दे सकते हैं, वो एक वोट काउंट होगा। सिमिलरली थर्ड स्टेट में, तो इस तरह से क्या होगा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप बोल सकते हैं कि ये अगर मेरे पास टैक्सेस के फेवर में है तो यस, ये टैक्सेस के फेवर में है यस, तो ये टैक्सेस के फेवर में नो, तो दो यस हो गया और एक नो हो गया, ये एग्जांपल के तौर पर बताया मैंने, ठीक है। तो इस तरह से सिंगल वोटिंग काउंट होगा कि अगर टैक्स के फेवर में है ये लोग तो ये यस, एक सिंगल वोट काउंट होगा इन द फेवर ऑफ टैक्सेस। तो इसलिए क्या बोला गया कि इतने सारे वोटिंग करने के बजाय क्या करा, एक स्टेट को एक सिंगल वोटिंग काउंट के लिए बोला गया कि जो प्रिंसिपल है हम वोटिंग करेंगे, वो वोटिंग प्रिंसिपल किस तरह से होगा कि एक स्टेट का एक वोट, एक स्टेट का एक वोट काउंट होगा। तो होप आपको ये समझ में आया हो। तो ये आउटब्रेक था, ठीक है, कहाँ से रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। तो हमने ये देखा था कि सोसाइटी कैसे थी, हम देख चुके हैं फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशन जो 1789 में स्टार्ट हुआ था वो भी हम देख चुके हैं, मोनार्की सिस्टम को हटाने के लिए था, बैसेटाइल पैलेस पे अटैक किया था लोगों ने, ये हम देख चुके हैं। ये हमने पहले के लेक्चर में एक बैकग्राउंड स्टोरी देखी थी, क्या कि 1789 में वो के बाद क्या हुआ था, बैसेटाइल पर अटैक हुआ था, किस तरह से लोगों ने वहाँ के स्टोन्स को तोड़ के मार्केट में सेल कर दिया था, वहाँ के प्रिजनर्स को जो भी कैदी थे उनको सबको बाहर निकाल दिया था।
तो वो अब स्टार्ट हो रहा है बेसिकली, वो आउटब्रेक जो था ना वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, टैक्सेस को बढ़ाने के लिए क्या कर रहा था, टैक्सेस क्यों बढ़ा रहे थे ये भी बता चुका हूँ। ट्रेजरी पूरी एम्प्टी हो चुकी थी, इसके पास बहुत सारा लोन था, क्योंकि क्या था इसने जो अमेरिका है उसकी बहुत सारी कॉलोनीज को क्या की थी, हेल्प की थी, तो इसका ट्रेजर बिल्कुल खाली हो चुका था, इसके पास बहुत पर लोन था। ठीक है, और इस वजह से क्या उन्होंने टैक्स नहीं हुए। तो ये था बेसिकली 1789 में जैसे लुई 16 किंग बना, मीटिंग बुलाई तीनों स्टेट जनरल्स की, जो सोसाइटी थी उस टाइम, उस टाइम में सोसाइटी तीन स्टेट्स में डिवाइडेड थी, एक मिडिल क्लास सोसाइटी बहुत ज़्यादा ऊपर आ रही थी अब धीरे 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 इस रिवॉल्यूशन से के आसपास। और उसके बाद क्या हुआ कि इस तरह से रिप्रेजेंटेटिव बुलाए, ये मीटिंग रखी गई, इतने लेटर्स गए और बेसिकली एक स्टेट का एक वोट काउंट किया गया। तो होप ये आपको समझ में आया। अब इस मीटिंग के बाद क्या हुआ ये हम आगे पॉइंट्स आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि इस मीटिंग का रिजल्ट क्या निकला, किस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन और आगे प्रोसीड हुआ। तो होप आपको समझ में आया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।